हिमाचल प्रदेश में कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण 5 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 475 सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार क्षेत्र में बर्फबारी के कारण बिजली आपूर्ति और जलापूर्ति की समस्या हो रही है। जारी आंकड़ों में बताया गया है कि बर्फबारी के कारण चंबा में 56, कांगड़ा में 1, किन्नौर में 6, मंडी में 51 और शिमला में 133 सड़कें बंद हैं। शनिवार को बर्फबारी के कारण राज्य में 4 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 504 सड़कें बंद हो गईं और बिजली और पानी की समस्या लोगों को हो रही है। इस बीच जिले के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी के बाद लाहौल स्पीति के 9 स्टेशनों पर बर्फ हटाने का काम जारी है। लाहौल स्पीति पुलिस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जिले के मौसम और सड़क की स्थिति पोस्ट की। इससे पहले शुक्रवार और शनिवार को भारी बर्फबारी के कारण हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 6 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित कम से कम 566 सड़कें बंद होने की सूचना मिली थी। इसके अलावा राज्य में लगभग 700 बिजली आपूर्ति योजनाएं बाधित हो गईं। 9 स्टेशनों ने 1 से 5 फीट तक बर्फ होने की सूचना दी और सड़क की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी। स्टेशनों में केलांग, काजा, सुमदो, उदयपुर, टिंडी, कोकसर, सिसु, नॉर्थ पोर्टल और साउथ पोर्टल शामिल हैं। नए साल से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। जहां उत्तर भारत के अन्य राज्य कोहरे की चपेट में हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो रही है। हालांकि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने लोगों से यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की स्थिति का आकलन करने का आग्रह किया है। केवल आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है।